यही है मेन मैकलोरगंज का, ये देख सकते हैं आप लोग, देखा भी होगा आपने, यही मैकलोरगंज का मेन चौराहा, मेन मार्केट के साइड से मैं जा रहा हूँ। ये मार्केट आप देख सकते हैं मैकलोरगंज का, ये मार्केट कितना सुंदर लग रहा है, और मैं बिल्कुल पहाड़ी बन गया हूँ। और यही तो मेरी ये ब्रांच है मेरे बैंक की, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर है, ये सब मार्केट लग रहा है फ्रेंड। इसको एक्सप्लोर करना खुद में कितना अच्छा फील देता है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे आके मैं बता नहीं सकता फ्रेंड्स, तबीयत ख़राब था तब भी मैं यहाँ पे अकेले आ गया। अकेले भी घूमना फिरना चाहिए, है कि नहीं? देखिए कितना मज़ा मैं ले रहा हूँ। ये सब कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे शॉप है, वाह, टेडी बियर का शॉप, बड़े सुंदर सुंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा ये तो मैंने, कोई बात नहीं, उस साइड से मैं आता हूँ। ये भी कोई मंदिर है, पता नहीं क्या है ये, हाँ बुद्धिस्ट टेम्पल है कोई। ये देखिए ऐसा ही है वहाँ पे भी, देखिए। और ये शॉप आपको दिख जाएंगे, चलते हैं दलाई लामा टेम्पल। ये क्या है, ये किस चीज़ के बने हैं? ये चमड़े के बने हैं, ये चमड़े के बने हैं भैया, चमड़े के तो नहीं होंगे ये। देखिए फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ दलाई लामा टेम्पल की तरफ। एक ये तो कितनी सुंदर सुंदर गौतम बुद्ध के ये मूर्तियाँ हैं, वाह। ये सारे ब्लैक कलर में ही है क्या, लाफिंग बुद्धा वगैरह? भैया महंगा है क्या कि नॉर्मल रेंज है? वो कप कॉफी कप है, एक दिखाना कोई भैया, ये वो थोड़ा वाइट वाला दिखाना, हाँ वाइट वाला दिखाना। ये कितने का है भैया, ये कितने का? मौसम देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहाड़ों का ये मौसम, अभी कितना सुंदर मौसम हुआ है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है अभी पता करते हैं। और ये धुआं नहीं है, धुआं नहीं है ये। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर ये बुद्ध भगवान के सारे, देखो भैया ये कितने का है? अच्छा मैं आके ले जाता हूँ, जाने का रास्ता यही है ना मैडम, जाने का रास्ता यही है ना मंदिर से आके। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या मौसम है ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए मैं आप लोगों को ये मौसम दिखा सकता हूँ, कितना सुंदर सुहाना मौसम है ये अभी का मौसम, बड़ा फाइन हुआ पड़ा है ये। ये देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, ये मौसम देख सकते हैं यहाँ पे, ये कैसे मौसम हुआ है। ये देखिए ये पीछे यही धुआं आ रहा था, ये पहाड़ों से धुआं आ रहा है, ये सकते हैं। मैं दलाई लामा टेम्पल के पास आ गया हूँ, और वहीं सामने दलाई लामा टेम्पल है, अभी वहाँ पे किसी का फोटो सेशन हो रहा है, मैं थोड़ी देर के बाद चलूँगा वहाँ पे। ये गाइडलाइन लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं मैं दलाई लामा टेम्पल में हूँ अभी, ये कोरोना के लेके अभी बंद है, आप देख सकते हैं ये पीछे, यहीं पीछे से रास्ता जाता है ये, तो अभी कोरोना के लेके ये बंद है। ये अंदर से ये काफ़ी खूबसूरत है, जब अंदर जाते तो फिर आप लोगों को बता पाते, लेकिन कोरोना को लेके तो ये एक, मुझे लगता है पंजाब में ही सारा चीज़ खुला हुआ है, बाकी सारे स्टेट में सारा बंद ही है, यहीं पे जो है पंजाब में ही सारा ओपन है, वहाँ पे हर चीज़ ओपन है। लेकिन हिमाचल गया मैं, उसके बाद मैं झारखंड गया, बिहार गया, ये सारा जगह ये सब बंद है, लेकिन एक पंजाब में ही ओपन है।
जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे दलाई लामा टेम्पल है मेरे फ्रेंड्स। ऐसा है कि एक अंकल बोले हैं अंदर, थोड़ा यहीं से आ जाते हैं, ये बंद है फ्रेंड्स, यही रास्ता है दलाई लामा टेम्पल अंदर जाने का, इसी रास्ते जाते हैं अंदर। बहुत खूबसूरत ये मंदिर है, अब जा नहीं सकते, अब क्या कर सकते हैं। फिर अब दलाई लामा टेम्पल बंद है तो मैं अब डल लेक झील जा रहा हूँ और चर्च होते हुए फिर धर्मशाला को जाऊँगा मैं। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं। अभी ये ठंड का मौसम आ गया है, धुंध पूरा उड़ रहा है यहाँ पे, पता नहीं किस क्या मौसम को हो गया है। आप किसी भी मौसम में आइए लेकिन यहाँ पे ऐसे ही ठंडी रहता है, ऐसा नहीं है जो यहाँ पे गर्मी गर्मी कभी पड़ता है। अभी सुबह में गर्मी हो रहा था, अभी फिर से ठंड हो गया। आप देख सकते हैं ये पूरा धुंध उड़ रहा है, कुहासा समझिए, कुहासा है ये। और ये हमारी गाड़ी जाते हुए आपका डल लेक झील की तरफ,